लोग शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैं भी पीछे सारी टीम नज़र आ रही होगी, आज सोनिया भी आई है। कहाँ है सोनिया? ये रही सोनिया, सोनिया सारे बच्चे और बाबू नहीं है, वो अम्मी के घर पे है, वो सो रहा था तो इस वजह से मैं उसको नहीं लेके आई। तो ये देखिए खुशी से मिले, खुशी का मुँह दिखाओ, खुशी का मुँह दिखाओ, फेस दिखाओ। ये देखो खुशी कितनी प्यारी लग रही है, अब इसने भी सीख लेना। हेलो हाय, दुआ वीडियो बना रही थी मेरी बेटी के लिए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हल्का सा कलर भी बहुत प्यारा, लाइट सा कलर है और गर्मी में लाइट कलर अच्छे लगते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, दुआ कर लग गई चोट, वरना वो भी मेरे साथ आती तो वो सो रही थी, इसलिए इसको लेके नहीं आई मैं, थोड़ी देर में आ जाएगी। तो हम तीनों बहने आपस में गप्पे शप्पे लगा, तो सोनिया ने जो है ना खुशी को मुंह दिखाई दी। अब कितनी दी है ये नहीं हम आपको बता सकते, ये प्रश्न सोनिया ने अपनी खुशी से दी। ये बात तो एक बात पैसों की नहीं होती, कितने किसी ने चाहती है। हाँ, ये पहली दफा मिली खुशी से, तो ये मेरी बेटी है, इसको मैंने गुड़ती दी है। हाँ, और इसकी आदत इतनी अच्छी है, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करती, हम लोग इससे बहुत खुश हैं मेरी तरह। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो एलन से उसको दिखा रहा है कल्ट बाजियां, बाबू को सारे बच्चों को सिखा रहा है। इन्फेक्शन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैंने ये मंगवाया ड्रॉप स्टाइश और बाबू के लिए, उनकी आइस जो है ना हो गई हैं ख़राब। तो ये मैंने राजू से मंगवाया है। अलीज़ा की भी आंखें देखें बेचारी की, कितनी हालत बुरी है, देखें इधर ये बची हुई है। स्टाइश की भी है लेकिन इतना नहीं, कम है, और बाबू का भी, बाबू का भी कम है। महेश लोग चले गए थे, सोनिया भी, और ये दिन है जी दूसरा। तो आज सुबह सुबह ही जो है ना हमने कढ़ी की तैयारी की है, और हाँ पकौड़े बनाने लगे हैं। आयुष का जो है ना आज पेपर था, और आज ये पेपर देख के आ गई है 10 बजे, इसका भी। तो पेपर देख के ना वो आ गई है आयुष जल्दी, आज 10 बजे है। तो आज हमने सोचा हम क्यों ना कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी जो है ना हमारी हो गई रेडी, और अब जो है ना पकौड़े बनाने लगी। तो पकौड़े बनने शुरू हो गए हैं, हल्के से लाइट ऑन होने अभी। और इन दोनों की लड़ाई, जब भी इसकी छुट्टी होती है ना तो लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। तो अभी काम शाम मैंने सारा करना है, मैं तो पहले पकौड़े बना ही लूँ तो फिर ही करती हूँ सफाई वगैरह। ये देखें गंद कितना पड़ा होगा। तो ऑयल मैंने डाल दिया। क्या है स्टाइश? ये मुझे दे दो, चश्मा लगाओ। आज सब कुछ मेरे हस्बैंड ही करके गए हैं, मैं सिर्फ पकोड़े ही बनाने लगी हूँ। अम्मा ने देखो। अच्छा अच्छा, मेरे बाबू को देखो, मेरे बाबू को अच्छा लग रहा है, कहता है मुझे दिखाओ। पकोड़े बन चुके हैं, ये देखें कितना प्यारा कलर है। अब ये लास्ट है, अभी मैं जो है ना बारी बारी इसमें डाल रही थी। कड़ी काच मूड नहीं था लेकिन मैंने बना ही लिया। आज मैंने सोचा था बैंगन का भरता बनाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कड़ी ही बनानी है। मैं एक ही दफ़ा खाना बना लेती हूँ सुबह तकरीबन 11-12 बजे, और वही चलता है रात को और सुबह नाश्ते में भी। पकौड़े डाल रही हूँ,
अभी जो है ना सिर्फ रह गया था तड़का, कड़ी पत्ता और जीरा। कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पूरे घर से महक आनी शुरू हो जाती है। आधा ऑयल मैंने निकाल दिया था, आधा मैंने तड़के के लिए रख दिया था। तो जी तड़का लग चुका है, अब डलेगा। और ये देखें अब इसका लुक। काम सब हो चुके हैं मेरे घर के, और बाबू भी हो गया फ्रेश, और साइज का भी नहला दिया है। क्या? हाँ आपका भी नहला दिया है। और ये भी गैलरी मैं रोज ही धो देती हूँ। कपड़े भी धुल चुके हैं, कपड़े तो मैं रोज ही धोती हूँ, रोज डेली, क्योंकि यूनिफॉर्म धोना होता है ना स्ताइश का, और इसके पापा की टी शर्ट धुलती है डेली, मतलब एक नई यूनिफॉर्म है उनका भी, और डेली फिर मैं जो दूसरे होते हैं तो वो भी धो ही देती हूँ। तो किचन भी हो गया नीट क्लीन। कभी तो मैंने आपको दिखाई थी। क्या हुआ, क्या हुआ काकी? तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो यूँ ही आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।